यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 7 स्पैम 3.5 ईच, मतलब सभी जो हैं वो 3.5 3.5 3.5 3.55 के हैं, ठीक है। अब सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 4.5 है, ठीक है। और फिर ये कितना है, 1.5 मीटर है, तो 4.5 प्लस 1.5 मतलब 1.5, तो हमने कितना हो गया, 4.5 6 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये हमारा 6 है और ये हमारा लाइक 3.5 से तो हो गया 3 से 21 और 0.5 से 23.5, ठीक है, 23.5 हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो अभी जैसे इसको हम लोग को लेना है, तो लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है सर, और यहाँ से हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, और जैसे कि अब उसको हमको ट्रांसलेट से रिपीट से सर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चले गए और यहाँ से ज्योमेट्री पे गए, लास्ट टाइम गए थे हम लोग रन स्ट्रक्चर विजार्ड, और यहाँ पे हमने फ्रेम मॉडल पे क्लिक किया। लास्ट टाइम हमने बस डायरेक्ट यहाँ पे कर रखे थे वो ना, लेकिन इस टाइम में भी चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसको चेंज करने के लिए हमने इसका लेंथ लिया, वो लेंथ लिया, सॉरी इसको बंद कर देते हैं, पर इस पे हम हमारे 3.5 है, तो टोटल हमारा हो गया 24.5, तो हमने यहाँ पे लिखा 24.5, ठीक। और अब देखेंगे तो यहाँ पे जैसे इसका हमने पार्ट डिवीजन 7 किया और फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे सर, तो यहाँ पे हमारे 3.5 3.5 3.5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेंथ ऐड कर लिया और हाइट हमने सिर्फ एक फ्लोर का दिया, कितने का है, सिर्फ एक फ्लोर का, तो हमने उसके लिए कर दिया 3, ठीक है। 3 करने के बाद अब सर यहाँ पे नंबर ऑफ वे अलॉन्ग हाइट, कितने सेक्शंस कर रहे हो, तो अभी हाइट तो 3 मीटर है, तो मतलब सेक्शन तो एक ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक सॉरी यहाँ पे हमने केवल एक सेक्शन दिया, तो हमने 1 लिख लिया यहाँ पे। और इसके बाद हमने विड्थ देखा, अब विड्थ जो है हमारा वो पीछे का 4.5 था और फिर उसके बाद 1.5 था, राइट। तो 4.5 और 1.5 ये टोटल हमारे कितने हो गए, 6, तो हमने कर दिया यहाँ पे 6। हमने दो को एक साथ करेंगे, फिर एक को अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 किया और 6 करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वे अलॉन्ग विड्थ इसको हमने दे दिया 2। 2 क्यों दिया, क्योंकि उसके दो सेक्शन थे, एक 4.5 का था और एक 1.5 का ना। लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, बट हाफ हाफ तो था नहीं, तो हमें कितना था, ये 4.5 पहला और दूसरा हमारा जो था वो था हमारा 1.5 ना। तो ये करने के बाद हमने इस पर ओके किया, ओके करने के बाद इसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सर हमारा आधा ये तैयार हो गया, लाइक हाफ हमारा सेक्शन तैयार हो गया, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब जो आगे का सेक्शन आएगा वो जेड एक्सिस में इतना आगे आके तब चलेगा, अभी तो हमने 0.0 प्लेस कर दिया था सर, लेकिन अब हमें इसके आगे आना पड़ेगा ना, मतलब जेड में हम 6 के आगे आएंगे तब पेस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग चलते हैं फिर से जियोमेट्री पे, यहाँ पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड फ्रेम मॉडल, और यहाँ पे वे फ्रेम लिया, और फ्रेम लेने के बाद सर यहाँ पे हमने लिख दिया अब क्या भी फिर से वही 24.5, ठीक। और यहाँ पे हमने जो सेक्शन लिए, अब उसका सेक्शन आई थिंक था वही 7 ही रहा होगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको 7, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा एक्चुअली, ऐसा करना पड़ेगा उसको, एक मिनट, एक सेक्शन यहाँ पे, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इसको कैसे देख सकते हैं, हाँ तो यहाँ पे वही 3 3 6 लाइक 7 सेक्शंस हैं, ठीक सर। और इवन यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनका 3.5 3.5, इनका ये इधर से है, फिर उसका 4 है, और 4 होने के बाद फिर सर यहाँ पे भी वही 3.5, उसके बाद 4 है, ठीक है। तो सर दिख नहीं रहा, इसको छोटा करते, एक मिनट रुकिएगा, देख लेने तो एन, हाँ अब सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखा ये देखिए सर 3.5 3.5, और उसके बाद ये मतलब 3 सेक्शन ये और 3 सेक्शन ये, बीच का सेक्शन ये 3.5 3.5, फिर 4, फिर 2.5, फिर 4, फिर उसके बाद 3.3 पॉइंट, ठीक है। तो हमने इस तरह का सेक्शन बनाना है, मतलब कि 4 बीच में रहेगा और उसके बाद 2.5, ठीक। तो अभी आसानी हो जाएगी हमें, तो हमने यहाँ पे लिया, और ये लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लेंथ डाल दिया वही 24.5, और सेक्शन भी हमने डाल दिया 7, बस यहाँ पे थोड़ा डिवीजन्स आपको अलग से करने पड़ेंगे, लाइक 3.5 3.5, और इसके बाद हमने सर किया यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमने कर दिया 2.5, ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2.5 या 2, हाँ 2.5, और इसके बाद हमने फिर से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कर दिया 4, और फिर यहाँ पे 3.5 3.5, ठीक है। तो हमने सेक्शन तैयार कर लिया और करके ओके कर दिया सर, तो हमारा कटिंग सेक्शन आ गया, और फिर उसके बाद हाइट हमने वही 3 रखा, और ये हमने 1 1 रखा, और विड्थ हमारा 4.5 है,
ये हमारा सर 4.5 था, ठीक है। और इसके बाद ये सेक्शन इसके केवल एक होंगे, क्योंकि एक लास्ट का बना रहे हैं ना हम, दो तो बना चुके हैं फ्रेम, ठीक है, तो लास्ट का बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वन कर दिया। वन करने के बाद अप्लाई कर दिया। अब जब इसको एडिट करके ऐड पेस्ट मॉडल पे क्लिक करके यस करेंगे, तो यहाँ पर सर ये जेड एक्सिस में 6 आगे आएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है कि कहाँ पर बैठाना है इसको, ठीक। ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर हम लोग बनाने से पड़ सकते हैं। तो हमने 6 आगे कर दिया, और 6 आगे करने के बाद अब जब से आप ओके करोगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेट नोट आएंगे ना वहाँ पे। अब जैसे कि किसी चीज़ को जोड़ रहे हो आप, काउंट कर रहे हो, तो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी बने ना एक तरफ का फ्रेम, तो ये करा इग्नोर करते हैं उसको। मैंने बोला यस, तो आप उसको इग्नोर कर दो। उसको जब इग्नोर करेगा तो उस पर मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, एक के ऊपर दूसरा नहीं आएगा सर। और फिर यहाँ पर हमने सेव करके यस कर दिया। देखिए हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ गया जैसे हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिए सर, ठीक। अब जब हम लोग इमेज को देखेंगे सर, तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे कॉलम्स नहीं है। लाइक अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉलम नहीं है, यहाँ पर कॉलम नहीं है, यहाँ पर कॉलम नहीं है। कॉलम सिर्फ ये पूरे में है, और इधर पूरे में है, और इधर तीन है, तीन ही इधर सारे सेक्शंस पे हैं, ठीक है। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं है कॉलम, ठीक है। तो हमें वहाँ का कॉलम हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एडिट कर दिया, एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, बस ये दो बचे हैं, तो दो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे ऐसा। और फिर इसके बाद फिर देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम्स नहीं है, तो यहाँ पे तो कॉलम दिखा तो नहीं रहा है। ये सर ये कॉलम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमने इस कॉलम को लिया और इस कॉलम को लिया। तो इसी तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग ले सकते हैं, उसका अच्छे से देख ले कहाँ कहाँ कॉलम है, कहाँ पे कॉलम नहीं है, और देख के हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। इसको आप यहाँ से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, दूसरे एक्सिस से देखा, तीसरे एक्सिस से देखा, यहाँ से हर एक अलग अलग एक्सिस से आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा। आप देखिए ये प्लान हमारा जो था वो एक्सिस दिख गया। ऐसे ही ना हमारा लाइक अगर आप इस इमेज से देखोगे तो ये अलग अलग अलग, ठीक है, और यहाँ पर हमारा अलग अलग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब इसका हम लोग अलग अलग डिफाइन कर लेंगे सर। तो डिफाइन करने के लिए फिर से गए हम लोग आइसोमेट्रिक में, सॉरी आइसोमेट्रिक भी यहाँ पे है। और फिर उसके बाद अब काम सारे नेक्स्ट वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जनरल पे क्लिक किया। अब इसी में सर अगर आपको लाइक ज़रूरत पड़ गई, आप चाहते हो कि दो तीन फ्लोर का हो जाए, दो तीन फ्लोर का हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, दो तीन फ्लोर का बनाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रांजिशन रिपीट, ठीक है, ट्रांजिशन रिपीट करो। अब किस एक्सिस में जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो वाई में जाएगा, ठीक है। हमने वाई में क्लिक कर दिया, और इसके अंदर लाइक हमने जो लिया तो हमने कहा नंबर ऑफ स्टेप 1 रहेगा, ठीक है, और स्पेसिंग इनका 3 मीटर रहेगा, ठीक है सर। और अगर बस यहाँ पे आप ओके करोगे, एक अपडेट कर लिया कि नहीं, हाँ अपडेट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फ्लोर इसका बढ़ा लिया। दो फ्लोर बढ़ाने होते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप 2 अपने आप ऊपर चला जाता है, 3, 4, 5 ऐसे करते हम चले जाते हैं, ठीक। अब क्या करने का, अब सर यहाँ पे आपको जनरल पे आके प्रॉपर्टी पे, और फिर यहाँ पे बीम्स और सॉरी बीम्स एंड कॉलम पे क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर हमने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद यहाँ पर हमने साइज दे दिया इसका 0.45 × 0.30। एक मिनट सॉरी, इंटर हो गया वहाँ पे गलती से। तो हमने फिर से डिफाइन कर लिया रेक्टेंगुलर 0.45 × 0.30, ऐड किया। और फिर दूसरा हमने बीम्स के लिए लिया 0.30 × 0.30 ले लिया हमने, ठीक है। और हमने इसको ऐड करके क्लोज कर दिया। अब हमने ये लिया, और इसको लेने के बाद अब सेलेक्ट ये सर कॉलम्स पे लगाने, तो सारे कॉलम्स वाई एक्सिस में हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट पे, और सेलेक्ट पे जाने के बाद बीम्स पे अलर्ट टू वाई सारे सेलेक्ट कर लिए, और फिर यहाँ पे असाइन यस, ठीक। और फिर उसके बाद ये लिया हमने कॉलम बीम्स लिया, और बीम्स के लिए हमने बीम्स पे अलर्ट टू एक्स, और फिर उसके बाद बीम्स पे अलर्ट टू जेड, ठीक। तो हमने इस तरह से ले लिया, और ये लेने के बाद हमने यहाँ पे असाइन पे क्लिक किया, और इसको भी हमने असाइन कर दिया। तो हमने हमारे बीम्स और कॉलम को डिफाइन कर लिया, हमको देखना है तो सर यहाँ पे आप सेलेक्ट करो सबको, और यहाँ पे हमने 3D रेंडर व्यू क्लिक किया, और आप देखोगे तो ये आपको प्रॉपर डिफाइन करके दिखा देगा, जैसे समझाते तो वैसे वैसा हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया इसको। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको बीम्स नहीं चाहिए था तो हमने यहाँ पे बीम्स नहीं कर, ठीक है। समटाइम्स होगा क्या कि लाइक अगर आप इसे बनाने में सब थोड़ा सा इजी जाता है, अदरवाइज अभी जैसे हम कोऑर्डिनेट्स अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें टफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आप यहाँ से डिलीट करते हो ना, समटाइम्स वार्निंग भी आपको दे सकता है, क्योंकि अगर सही से नहीं डिलीट हुआ, मान लीजिए इसका कुछ पोर्सन डिलीट हो गया, तो वार्निंग दे देता है, तो परेशान नहीं होना। और फिर लाइक दूसरा सिस्टम होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हम इसको बनाएंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं।
तो अभी हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से दूसरा व्यू ले लिया सपोर्ट डालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिल्डिंग लिया, तो इसको सपोर्ट पे क्लिक किया और सपोर्ट पे क्लिक करके क्रिएट, और यहाँ पे फिक्स हमने सपोर्ट ले लिया, और फिक्स सपोर्ट लेके सारे बिल्डिंग पे लगाया और इसको असाइन कर दिया, सपोर्ट भी लग गया। और फिर वही सेम स्टेप, लोड यहाँ पर लोड एंड डिफिनीसन, यहाँ पर हमने क्लिक किया एड, और यहाँ पे हमने ले लिया डेड लोड एड, लाइव लोड एड, यहाँ पे ऐड किया। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने पहले तो सेल्फ भी दे दिया 1.5, और इसके बाद सर हमने यहाँ पे अगर हमें कोई लोड प्रोवाइड है, अगर न्यूमेरिकल ने कोई लोड बोला है तो हम उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं बोला है तो हम जैसे कि ऑलरेडी फ्लो लोड आएगा तो हमने फ्लो लोड लिया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे ले लिया -6 किलो न्यूटन का फ्लोर रेट हमने ले लिया, और यहाँ पे इसको रेंज दे दिया सर। तो हमने रेंज जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा फ्लोर, और यहाँ पे 3 से लेके ऊपर की हाइट जो है वो 6 है, ठीक है। तो हमने इसको ऐड कर लिया और क्लोज कर दिया। फिर हमने लाइव लोड पे गए और इसको हमने ऐड किया, और यहाँ पे फ्लोर लोड लिया, और इस पर हमने डाला -फ्लोर। इसका जो भी फ्लोर लोड रहेगा सर वो डेड लोड के फ्लोर लोड से कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मतलब हमारे हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस किया था हुआ है। तो हमने इस तरह से मिनिमम या मैक्सिमम डाल दिया, क्योंकि अब ऊपर नहीं जाना है ना हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐड किया, ऐड करके क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सेल वेट हो गया, सब पे सेल वेट असाइन हो गया, ये और ये अपने यहाँ पे असाइन हो जाएंगे सर। और फिर उसके बाद वही सेम स्टेप्स, एनालिसिस ऑल ऐड क्लोज, और यहाँ पे एनालाइज पे आके रन एनालिसिस ये कर देंगे सर। अभी उसने डुप्लीकेट नोड को संभाल लिया, समटाइम्स वार्निंग भी दे देता है, तो परेशान नहीं होना क्योंकि वो रीजन है उसका वार्निंग होने का, ठीक। और फिर उसके बाद आपको जैसे आउटपुट फाइल नहीं देखना, अगर डिजाइन नहीं किया तो सीधे आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे चले जाओ और डन करो। जो पोस्ट प्रोसेसिंग आप यहाँ से ओपन करते हो वो डायरेक्ट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो सर। तो हमने इसको पोस्ट प्रोसेसिंग को क्लिक किया। अब इसके अलग अलग हमारे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सर, तो ये डिफ्लेक्शन के लिए अभी शो कर रहा है, बाई डिफॉल्ट ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है हमारा, थोड़ा बड़ा करना है डिफ्लेक्शन को, तो हमने यहाँ से इसे कंट्रोल दबा के हमने डिफ्लेक्शन को बड़ा कर लिया सर, ठीक। अब अगर डिफ्लेक्शन के अलावा जैसे आपको मोमेंट और बेंडिंग जेड मोमेंट देखना है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, वो भी इसका दिखाता रहेगा यहाँ पर, ठीक। और अभी जैसे आप चाहते हो, अभी दिखा तो रहा है ग्राफ, तो दिखा रहा है बट वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था सर, यहाँ पर रिजल्ट पर जाएंगे और यहाँ पर व्यू वैल्यू पर जाएंगे, और यहाँ पे बीम रिजल्ट, और जैसे कि अभी हमने क्या किया, मैक्सिमम रिजल्टेंट इसका ऑन कर लिया, ठीक है। अभी हमें जो जो चाहिए हमने सब कुछ ऑन कर लिया, जैसे कि हमें यहाँ पे एक्सियल फोर्स देखना है। एक्सियल फोर्स सर कॉलम पे लगता है हमेशा, लाइक कोई भी कॉलम रहेगा तो उस पर एक्सियल फोर्स आएगा सर। और यहाँ पे शियर बॉन्ड बेंडिंग मोमेंट देखने, हमने ये हमने करके एनोटेट करके क्लोज कर दिया। कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, बोल रहा है कि जब आपने उसके बारे में एनालाइज नहीं किया तो क्यों दे रहे हो। तो ये देखिए इस तरह से भर गया पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर एक एक करके देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक एक करके देखने के लिए कुछ नहीं करना है, वही सेम वी वैल्यू और बीम रिजल्ट्स हमने सबको ऑफ कर दिया। अभी जैसे मान लीजिए केवल बेंडिंग देखना है हमें और कुछ नहीं देखना है, तो हमने बेंडिंग केवल लिया और एनोटेट करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे केवल बेंडिंग्स आएंगे हर एक पॉइंट पर, अलग अलग बेंडिंग्स, ये देखिए, ठीक है। अब बेंडिंग में भी सर यहाँ पे मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम के लिए अलग से हमको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्ट पे गया, यहाँ पे बी वैल्यू पे गया, बीम रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंड पे दिखा रहा है सबको, देखिए यहाँ पे ये इंड है, ये इंड है, जहाँ जहाँ इंड है वहाँ वहाँ पे दिखा रहा है। आपको इंड पे नहीं देखना है, आपको केवल मैक्सिमम देखना है, और एनोटेट क्लिक किया तो यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है। अब अगर आपको मिड पॉइंट पे देखना है, एनोटेट किया, अब सारे के मिड पॉइंट्स पे आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है इस बीम का पर्टिकुलर, ये ठीक है। आप इस पर भी क्लिक करोगे सर दो बार, सॉरी सर बीम नहीं सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप इसके देख सकते हो यहाँ के डिफ्लेक्शन क्या है पर्टिकुलर। जैसे कि आपको समटाइम्स केवल एक बीम, जैसे कि कुछ बीम तो सेफ रहती हैं, जैसे कि जो फिक्स सपोर्ट में लगी हुई हैं, जो बीच में लगी हुई हैं तो सपोर्ट रहती हैं। समटाइम्स जैसे कोई बीम को बाहर निकाला पोर्च बनाने के लिए, ठीक है, तो उनमें हमें डर रहता है कि वो सही है कि नहीं, तो उनका पर्टिकुलर आपको चेक करना रहता है। तो उनका ऐसे आप एक स्पेशल जाके आप उसका डिफ्लेक्शन देख सकते हो कि उसका डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, उसका यहाँ पे बेंडिंग उसकी क्या आ रही है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो सबके लिए नहीं देख सकते क्योंकि कितने को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक प्रॉपर की एक प्रॉपर्टी आपको देखनी है सेपरेट, ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पर लिया था ना बीम का साइज जो लिया था, ठीक है, अब उसका जो लेंथ है एवरीथिंग, आप किसी भी बीम का एनालिसिस लाइक आपको जानना है, जस्ट उस पर क्लिक करोगे उसका सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी भी एक फ्रेम को लेके उसका ट्रांसलेशन रिपीट देखा और उसके एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया सर। और अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लैब के बारे में, कि हमारा स्लैब कैसा होता है और स्लैब की एक डिज़ाइन करेंगे, ठीक है।